गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर यूनिट 7 पपी एंड आई को पढ़ेंगे। ये एक कविता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पपी एंड आई, पपी जैसे आप जानते हैं ना, डॉगी का जो बेबी रहता है उसको हम पपी बोलते हैं। छोटा बेबी जो रहता है ना डॉगी का, उसको पपी बोलते हैं। एंड आई, आई मतलब होता है एक बच्चा है, ये अपनी बातें बताता है। आई मीट अ मैन एस आई वेंट वॉकिंग टू गोड टॉकिंग मैन एंड आई। मैं जब घूम रहा था, वॉकिंग मतलब होता है घूमना टहलना, सुबह सुबह टहलते हैं ना, तो मैं जब घूम रहा था टहल रहा था तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वी गोड टॉकिंग, हम दोनों बातें करने लगे। मैन एंड आई, आदमी और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, मैंने आई सेड, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एस ही वेंट बाय, मैंने उनसे पूछा जब वो मेरे पास से गुजर रहे थे या चल रहे थे। जैसे कोई आदमी है, जैसे आप चल रहे हो और आपके पास से कोई निकल के जा रहा हो ना, तो आप उससे पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो उसी प्रकार ये बच्चा है, ये उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, मैं गाँव की तरफ जा रहा हूँ, गेट सम ब्रेड, कुछ रोटियाँ लेने जा रहा हूँ, वो आदमी बोलता है उससे। विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई, वो आदमी फिर वो बच्चे से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा। आई मीट अ हॉर्स एस आई वांट वॉकिंग, अब मैं एक हॉर्स मीन्स होता घोड़े, घोड़ा से मिला जब मैं वॉकिंग कर रहा था, जब मैं घूम रहा था। वी गॉट टॉकिंग, फिर हम दोनों बातें करने लगे। हॉर्स एंड आई, घोड़ा और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े, मैंने उससे पूछा। आई सेड टू द हॉर्स एस ही वेंट वे, मैंने घोड़े से पूछा जब वो मेरे पास से निकल रहा था। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मैं गांव जा रहा हूँ कुछ घास लेने। हे मीन्स होता है घास, मैं कुछ घास लेने गांव जा रहा हूँ, घोड़ा बोला। विल यू कम विथ मी, घोड़े ने उस बच्चे से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे। नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं चलूँगा। आई मीट अ पपी एस आई वॉन्ट वॉकिंग, अब मैं एक पपी से मिला, जो डॉगी का बेबी होता है ना छोटा सा, उससे मिला। मैं घूमते हुए एक डॉगी के बच्चे से मिला। वी गॉट टॉकिंग, फिर हम दोनों बात करने लगे। पपी एंड आई, बेबी जो डॉगी का बेबी ना वो और मैं बातें करने लगे। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, तुम कहाँ जा रहे हो आज इतने अच्छे दिन में, बच्चे ने डॉगी के बच्चे से पूछा। आई सेड टू अप टू द पपी, मैंने पपी से पूछा एस ही वेंट बाय, जब वो मेरे पास से निकल रहा था। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं पहाड़ियों पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं खेलूँगा और रोल करूँगा। रोल करना मतलब आपने देखा ना डॉगी के जो बेबी रहते हैं वो धूल में इधर उधर लेटते हैं, धूल में मतलब खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं रोल। तो अप इन द हिल्स, मैं पहाड़ियों पर जा रहा हूँ, वहाँ पर रोल करूँगा और खेलूँगा। आई विल कम विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पपी सेड आई, उसने बच्चे ने कहा पपी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद है और पपी खेलेगा, तो उसने सोचा मैं भी इसके साथ खेलूँगा, तो उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके राइटर हैं ए मिलिंद ने। न्यू वर्ड्स देखेंगे इसके हम। विलेज मीन्स गांव, हिल्स मीन्स पहाड़ी, ब्रेड मीन्स रोटी, हे मीन्स घास, रोल मीन्स जो धूल में जो बेबीज डॉगी के बेबीज जो रोल करते हैं ना खेलते हैं उसको रोल बोलते हैं, प्ले मीन्स खेलना। चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रीडिंग इज फन, हु इज द आई इन द पोएम, पोएम में ये आई कौन था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई इज़ द पोएट, आई कौन था, एक जो कवि था। ए स्मॉल चाइल्ड इन द पोएम, जो एक छोटा बच्चा था इस कविता में। वेयर वाज़ द मैन गोइंग, आदमी कहाँ जा रहा था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मैन वाज़ गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड, आदमी कहाँ जा रहा था, गांव जा रहा था कुछ रोटियाँ लेने। व्हाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, जो बच्चा था वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए द चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वाज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम हे, क्योंकि वो घोड़े के साथ इसलिए नहीं गया था क्योंकि घोड़ा भी गांव जा रहा था कुछ घास लेने के लिए, घास खाने के लिए। व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी,
अब बच्चा जो था वो पपी के साथ क्यों गया, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चाइल्ड वांटेड टू प्ले एंड द पपी वाज गोइंग टू प्ले सो द चाइल्ड वेंट विद द पपी। द चाइल्ड वांटेड टू प्ले, वो बच्चा जो है खेलना चाह रहा था एंड द पपी पपी के साथ, इसलिए वह खेलने के लिए गया। सो द चाइल्ड वांट विद द पपी, क्योंकि वो पपी और वो बच्चा साथ में खेलना चाह रहा था इसलिए वो पपी के साथ गया। विच एनिमल डू यू लाइक, क्या आपको एनिमल्स पसंद है, यदि पसंद है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। टॉक अबाउट थ्री थिंग्स डेट द एनिमल्स यू लाइक दस, आप अपने ये एनिमल्स या अपने जो पेट एनिमल्स रहते हैं ना उनके साथ क्या करना पसंद करते हैं, थ्री ये बातें हमको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम साथ में क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं। देखा हो ना आपने डॉग या पालते हो कैट पालते हो तो उसके साथ फुटबॉल खेलते हो। बी सी टी वी टुगेदर, साथ में क्या देखते हैं हम टी वी देखते हैं। और बी स्लीप इन अ सेम रूम, एक ही रूम में हम सोते भी हैं। हाउ कैन बी लुक आफ्टर हिज एनिमल टेल द क्लास फर्स्ट इन यूर ओन लैंग्वेज एंड देम इन इंग्लिश। हाउ कैन बी लुक, आप एनिमल्स के साथ कैसे रहते हो मतलब, और आपको एक क्लास में अपनी लैंग्वेज में बताना है, हम बताते देंगे। माय जैसे आपका एक पेट एनिमल हो, आपने कैट पाली हो तो आप उसके साथ कैसे रहते हो कैसे रखते हो उसको। तो माय कैट नेम इज डॉली, अपनी जो भी पेट एनिमल्स का नाम है उसका आप लिख सकते हो। तो माय कैट नेम इज डॉली, आई मेक बाथ माय कैट डॉली डेली, मैं अपने जो कैट है ना डॉली उसको डेली नहलाती हूँ। आई प्ले विथ डॉली इन द गार्डन, मैं उसको गार्डन में खिलाने ले जाती हूँ। इस तरह हमको अपने एनिमल्स के बारे में तीन चीज़ें लिखनी है। से अलाउड ब्रेड सेड हे टुडे रोल पोल हु एम आई, एक छोटी सी पोएम दी है। टिब्लू टिब्लू इज माई फ्रेंड टिब्लू हैज फोर लेग्स टिब्लू हैज अ लॉन्ग टेल हु इज टिब्लू टिब्लू वर्क्स टिब्लू वर्क्स हिज टेल टिब्लू इज हैप्पी हु इज टिब्लू टिब्लू इज माई डॉग। ये डॉग के बारे में ये छोटी सी कविता है, इसका नाम है टिब्लू। लेट्स ड्रॉ लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम यू माइट बिगेन आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग माई नेम इज, ये कुछ डॉग की पिक्चर दी हैं, इनको आपको याद करना है कि ये कौन सा डॉग है। इसका नाम है बुलडॉग, ये है बॉक्सर, ये है जर्मन शेफर्ड, ये है डोबरमैन। जो आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे इसकी इमेज आ गई उसका नीचे हमको नाम लिखना है, तो आप ये याद कर लीजिए। जॉइन द डॉट्स एंड कलर एंड नेम यू डॉग, अपन हमको क्या करना है डॉट्स को ज्वाइन करना है, उसमें कलर करना है, जो आपके डॉग का नाम है उसको लिख देना है। मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड, साउंड के साथ हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ए हॉर्स, हॉर्स का साउंड कैसा था, नहीं कैसा करता, इंग्लिश में हम लगाएंगे इसको नहीं। और ए डॉग, डॉग कैसा करता है, डॉग करता है बार्क, ये देखिए बार्क्स, ये करता है डॉग। ए सीप, सीप कैसे करती है, सीप करती है ब्लीड्स। ए कैट, कैट तो आपको पता ही है म्यू करती है, ये देखिए। एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है ट्रम्प्स। ए टाइगर, टाइगर करता है दहाड़ता है रोअर। ए काउ, काउ क्या करती है मूस। इस तरह हमको ये मैच करना है। अब इसमें दिए हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, तो इनमें से हमको देखना डोमेस्टिक कौन है और वाइल्ड एनिमल्स कौन है। तो जयकाल, जयकाल तो क्या है गीदड़ बोलते हैं ना जयकाल को, तो ये कौन है हमारा, ये वाइल्ड एनिमल है। फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है। डॉग, डॉग हमारे डोमेस्टिक एनिमल में आ जाता है। काउ डोमेस्टिक में आ जाती है हमारी। एलिफेंट, एलिफेंट हमारा वाइल्ड एनिमल्स में आता है। बियर, बियर भी वाइल्ड एनिमल्स में आता है। सीप हमारी डोमेस्टिक एनिमल में, गोट हमारी डोमेस्टिक एनिमल में, बफेलो, बफेलो भी हमारी डोमेस्टिक एनिमल में आती है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स लिखना है, तो राइमिंग वर्ड्स लिखना है तो ये बहुत इजी रहता है, मिलते जुलते शब्द। राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है मिलते जुलते शब्द। हिल का हम लिख देंगे टिल, और एक वर्ड और आप सोचिए क्या होता है हिल का, बिल, हे का से, मे, टे,
फाइन का हम लिख देंगे डाइन साइन, ठीक है। गेट का सेट पैट, ठीक है। गोइंग का लिख देंगे हम सोइंग शोइंग और गोइंग, ठीक है। मिलते जुलते शब्द हैं, इस तरह हमको लिखना है। हेयर का देयर टी एच ई आर ई देयर सेयर, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अभी एक छोटी सी पोयम दी है, बुर्नो। बुर्नो इज माई पेट पपी, ही ब्रेक्स हिज डिश, ही हैज सैट, डैडी गिव्स हिम मिल्क, बट बुर्नो इज सैट, मम्मी गिव्स हिम आ न्यू डिश, न्यू बुर्नो इज हैप्पी। ये छोटी सी बुर्नो जो पेट एनिमल है, पपी है छोटा सा, उसकी ये पोयम है। चूज द राइट वर्ड्स, बुर्नो इज माई क्या है पेट, है ना, ऊपर लिखा ना पेट पपी। ही ब्रेक्स हिज क्या तोड़ दी थी उसने, डिश तोड़ दी थी, ठीक है, प्लेट तोड़ दी थी। डैडी गिव्स हिम क्या लाए थे, डैडी मिल्क लाए थे, है ना, मिल्क में करेंगे हम। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, मम्मी ने क्या बनाई थी, न्यू डिश बना दी थी। न्यू बुर्नो इज क्या हो गई थी फिर, हैप्पी हो गई थी। इस तरह हम उनको खालिस्तान बनने, इस तरह ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।